नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रिव्रत दीक्षित। आई ले चलते हैं आपको दिन की कुछ खास खबरों की ओर। सितारगंज के नकुलिया चौराहे पर अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं बाबा साहेब की मूर्ति पर फूलमालाएं चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकालकर बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए, जो पूरे नगर में भ्रमण करता हुआ बाबा अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुआ। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि बाबा साहेब की जयंती समारोह में भारी भीड़ उमड़ी रही। जुलूस का समापन अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय में हुआ, उसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बाबा साहेब की जयंती को न्याय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाबा साहेब ने भारत का संविधान लिखा था, उनको पूरा भारत संविधान रचयिता के रूप में भी जानता है। वह एक संविधान के विद्वान हुए हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने हर वर्ष की भांति आदर्श अम्बेडकर विद्यालय प्रतिष्ठान में बाबा साहब के स्टैचू पर माल्यार्पण करने के बाद बाबा साहब का कारवां जुलूस पूरे नगर में भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद हम लोग पुनः बाबा साहब का 127वां जन्मदिन है और हम लोग बहुत शांत तरीके से अपने जुलूस को निकाल रहे हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रशासन यहाँ कई बार दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको भी मैनेज करके अपने हिसाब से ठीक ठाक कर रहे हैं। हम अम्बेडकर विद्यालय से लेकर के और कोरोना हॉस्पिटल से हमारा जुलूस जाएगा, वहाँ से फिर वापस आ जाएगा और उसके बाद सारे लोग वहीं अम्बेडकर विद्यालय में पहुँचेंगे और वहाँ पर जा करके हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न होगा। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 127वीं जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हर वर्ष की भांति हम लोग जो हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है इस बार अलग से डिसाइड नहीं हुआ, पूर्व निर्धारित है। जैसा पहले होता रहा है उसी तरीके से हम लोग इस बार भी बाबा साहब का कारवां जुलूस नगर क्षेत्र में निकालने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम इस अम्बेडकर प्रतिष्ठान में हम लोग बाबा साहब के जन्म समारोह में सम्मिलित होकर के सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे। और चूंकि जो आप जिक्र कर रहे हो कि धारा 144 लगी हुई है, हम लोग भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से सतत रूप से हम लोग संचालित करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं और ऐसे में हम अपने सारे साथियों से ये अपील भी कर रहे हैं, हमारे सारे साथी पूरे संयम के साथ बाबा साहब के कारवां जुलूस में सम्मिलित होंगे और धारा 144 का हम पूरा सम्मान करते हैं और उसका किसी तरीके से हम उल्लंघन होने नहीं देंगे।